गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो जी गाइज, मैं निकल गई हूँ गाज़ियाबाद के लिए। जी हाँ, जो कि दीदी है मेरी बड़ी वाली, उन्होंने एक फ्लैट लिया था, तो वो मैंने आपको दिखाया था बहुत पहले। तो बस उसी को विजिट करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसको रेंट पर उठाना था। तो बस यही सारी चीज़ें करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो जी गाइज़, मैं पहुंच चुकी हूं गाज़ियाबाद वाले फ्लैट में। आप देख सकते हो यहां के फ्लैट्स, और मैं साउंड इसलिए डाल रही हूं क्योंकि यहाँ पे हवा का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। जी हां, क्योंकि रिया ने स्पेशल डिमांड की थी मेरे से कि आप मेरे फ्लैट में चलेंगी, और फ्लैट में कुछ उनको रेंट पे देना है और कुछ चीज़ें करानी थी, डेकोरेट वगैरह वो सारी चीज़ें करनी है। तो मैं अभी फ्लैट में आई हूँ रिया के, सो अभी यहाँ पर करेंगे हम थोड़ा सा वर्क। तो चलिए गाइज़, मैं दिखा देती हूँ आपको कि जो रिया का फ्लैट है जहाँ पे, वहाँ पे उनकी टावर के नीचे क्या क्या प्लांट वगैरह रखे हुए हैं। ये देखिए अरिका पाम, अच्छे अच्छे प्लांट रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्पेसफुल है, बढ़िया है। और बिल्डिंग्स देख सकते हो आप कितनी, मतलब कितनी ऊँचाई पर है यार, 13th फ्लोर पर लिया है इन लोगों ने। और देख सकते हैं अभी वाला फ्लैट है रिया का, और अभी मैं यहाँ पर विज़िट कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, खुला आसमान, वेदर इज़ अमेजिंग। ये देखिए फुल एंड, और यहाँ पे प्लांट वाले अंकल हैं। छुई मुई का है क्या अंकल ये? छुई मुई का शमी आमला। शमी आमला। कितने का है अंकल ये? शमी का पौधा 150। अरे खुर्जा में तो 80 रुपीज़ का मिल रहा था, आप महंगा दे रहे हो, 80 रुपये का दे रहे थे वहाँ पे। खुर्जा में, खुर्जा बुलंदशहर। अरे अंकल, तो आप तो हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसी होके हमको महंगा लगा रहे हैं। मेरी दीदी रहती है एक्चुअली वहाँ पे, सिस्टर रहती है। अच्छा, और ये समी का पौधा ना मैं वहाँ पे छोड़ के आ गई कि चलो ठीक है, नोएडा में भी मुझे इतने ही रेट में मिलेगा, और आप दे रहे हो 150 रुपये में। अब तुम जानो, देखो महंगे महंगे हैं, देखिए नर्सरी वाले ही। तो हम तो आपके पड़ोसी हैं ना, ये नर्सरी वाले, हम तो आपके बच्चे हैं। वो बात सही है तुम्हारी। हाँ जी, लेकिन तुम 10-20 रुपये कम दे देंगे, ऐसी कोई 10-20? हाँ। अरे अंकल, 130 रुपये दे देंगे। अरे अंकल जी, 90 का लगा दो गाइज। यहाँ पे अंकल ने 150 से कम का नहीं लगाया, ओनली बोल रहे थे 10-20 रुपये कम दे दो, मीन्स वही 130। तो शायद मैं नहीं ले पाऊंगी, और मैंने लिया भी नहीं। तो जी गाइज, फ्लैट के सारे काम हो गए थे, रेंट की बात भी हो गई थी और डीलर वाले भैया से, और अभी बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, तो खाना खाना तो जायज़ था। तो रिया और बड़ी दीदी हम लोग सब आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। मैंने यहाँ पे देखी थालियाँ बहुत कॉस्टली है, तो मैं ये वाली थाली ऑर्डर कर रही हूँ। जी हाँ, 249 में, और थाली आ चुकी है, ये देख सकते हैं आप। जैसे नॉर्मल होती है थाली, वही है, वेज है, दाल है, पनीर है, इतने सारे आइटम आ गया है 250 रुपये में, और क्या होगा, पेट भर चुका है फुल्ली तरीके से। और अभी बनती है हमारे पास गर्मा गर्म चाय। जी हाँ, सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो हमने प्लान किया था कि खाना खाने के बाद ही चाय लेंगे, तो बस 2 कप चाय है, और 20 रुपये की है, इससे सस्ती चाय कहाँ मिलेगी। तो चलिए गाइस, मैं ले लेती हूँ अपनी चाय, बनाई जी गाइस। खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद हमारे सौंफ तो बनती है, इसीलिए ये सौंफ मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रही थी। सौंफ से पहले मुझे ये जो पॉट है ना, ये बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, वाइट वाइट, वाओ। मैंने ऐसा कर रहा था कि घर पे ले जाऊँ इनको, बट नहीं ले जा सकती थी। और ये सौंफ आप भी लीजिए, ज्वाइन कीजिएगा, इस बड़ी टेस्टी है यार, सीरियसली। जी गाइस, मैं जस्ट अभी घर पे पहुंची हूँ, और अभी मैं आपको अपना मेकअप दिखाने, थोड़ा शॉपिंग की। जी हाँ, शॉपिंग कुछ ज़्यादा ही कर ली मैंने, लिपस्टिक, क्योंकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, लेकिन वहाँ पर इनसाइड का सारा चीज़ें थी मेकअप में, तो बस मैंने ले लिया जो लेना था। अभी गाइज, यहाँ पे मेरा मेकअप देख सकते हो, इनसाइड की नेल पेंट, 3-3 नेल पेंट लेके आई हूँ। ये इनसाइड की लिपस्टिक है मैट वाली, जी हाँ, ये बहुत ही अच्छे कलर लग रहा था मेरे को, और ये मुझे बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल गई है। और ये आप देख सकते हैं, ये पेंसिल वाला काजल है, स्मच है, और ये है मेरी इनसाइड की बहुत ही अच्छी वाली लिपस्टिक, और इसका रेट भी आप देख सकते हैं, बड़ा हाई फाई है यार मेकअप का रेट। और ये लॉन्ग लास्टिंग वाला मेरे को ऑयल फ्री चाहिए था प्राइमर,
भूल गई ना। और यहाँ पे इनसाइड का मेरे को मिलता है कॉम्पैक्ट, लेकिन कॉम्पैक्ट में भी गलत आ गया था गाइस सच में। मेरे को लग रहा है ये मेरे कलर पे शूट नहीं करेगा, बट कोई बात नहीं, मैं दीदी को इसको गिफ्ट कर दूंगी। मेरा इतना सारा मेकअप, वाओ गाइस मैंने आपको दिखाया है, वाओ गाइस इतना सारा मेकअप, नेल पेंट मेरी तो हो गई है बल्ले 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 बल्ले, सारी चीज़ें देखे। और जैसे कि मैंने आपको गुड न्यूज़ किया है, तो वो गुड न्यूज़ थोड़ी सी और वेट कर लो ना, आप भी फ्रेंड आने वाली है तो हम साथ में आपको बताएंगे कि क्या थी गुड न्यूज़। बने जी गाइस, मैं सो गई थी आने के बाद, बहुत थक गई थी मैं, घर पे आई सो गई, फिर अभी उठी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुड न्यूज़ किया है, मैं आपको बता देती हूँ गुड न्यूज़ क्या है। और हम उस गुड न्यूज़ की कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने जा रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड सिमी। जैसे कि आपने अभी कल परसों तो देखा ही था, हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, तो ये भी आई है उसको गुड न्यूज़ और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए। yes, और आप लोगों को भी बेबी का चेहरा दिखाएंगे, क्यूट क्यूट से छोटे छोटे बच्चे कैसे चेहरा होते हैं? दिखा तो देंगे, लेकिन अगर उन लोगों ने बोला तो नहीं, तो उसने रील में दिखा दिया ना, दिखा दिया। हाँ, अर्पिता ने रील okay. में दिखा दिया है, सो हम भी दिखा सकते हैं, फिर तो ठीक है, आप लोगों को चेहरा दिखा देंगे। मेरे बच्चे जैसा सीन नहीं है, मेरे वाले ने तो ज्यादा टाइम ले लिया, इसके वाले ने तो फेस रिवील ही नहीं किया था। कितने दिन में किया है? छह भी नहीं, दसवें महीने में हुआ है मेरी। दस महीने मतलब मान के चलो कि मिलियन के बाद ही किया है उसने, लाइक मी। तो चलिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, अगर व्लॉगिंग कर पाए तो, क्योंकि गेस्ट लोग आए हुए हैं, बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ, छोटा मोटा कोशिश करेंगे, देंगे आप कोशिश करेंगे। बने रहिए कशिश चावला के साथ।